हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मनीषा गिरी पे तो आप लोग कैसे हैं? हाय, और आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो, तो ये मैं ससुराल वहाँ पे, और वहाँ पे मैं ननंद लोग खड़ी है, मैं सास लोग, और ये छोटी वाली ननंद है मेरी, जो मैं साथ में जा रही है दुकान। और ये है रोहित जी, जो सुबह सुबह स्मार्ट बन गया है। अच्छा, तभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से पूजा वगैरह कर लिए थे, पूजा करने गए थे, तो पूजा वूजा हो गया, तो अभी हम लोग जाएंगे अस्पताल। अस्पताल में कुछ काम है, वहाँ पे भी करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मम्मी का घर। सामने मम्मी का घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? चश्मा पहनने का मेरा शौक नहीं, पर क्या बोलिएगा, आँख में मेरा प्रॉब्लम हो गया, नहीं चश्मा पहनना पड़ रहा। तो चलिए फिर साल में कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहो ना। जैसे भूख लगी है, क्योंकि हमने पूजा करने गए थे तो खा नहीं था, तो अभी रोहित जी मैसे यहाँ पर है, और अब मैं ननंद है ये खाने के लिए। देखो ननंद करो, गले मिठाई मांगे, क्योंकि खाई भी नहीं समस्या की मिठाई, और हमें समोसा वगैरह खा रहे हैं खास खाने, वजह से भूख लगे, चलो खा लेते हैं। अभी हम लोग नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग चाय पी रहे, एक तो बहुत गर्म है, मैया चाय पी रहा, और इधर ननंद इतना प्यार से खा रही है, फिर क्यों उसका ख़त्म है, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उन लोग ख़त्म हो गया, तो ये आराम से खाए, आराम से तक चाय पी रहे, तो चलो फिर से आप लोग फिर से इतना दिन का बाद मेरा बगान दिखाने वाले हैं। और ये है मेरा घर मिट्टी का, और यहाँ पे है बगान। तो बगान में क्या क्या लगा है मैं आपको पीछे लगे कैमरा से, बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि क्या क्या लगा हुआ है मेरा बगान छोटा सा। और ये जो घर है मेरा बगान घर है, हाँ बाबू, और ये मेरा बाथरूम था, लेकिन ये बाथरूम हम नहीं है, तो ये बाथरूम भी टूट फूट कर बराबर हो गया। और ये मैं ननंद जो पीछे पीछे दौड़ रही है, क्या बोली शानो, कौन मारू किया? तो चलो फिर आप लोग बगान दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा फूल पेड़ है, और ये है कुद्रुम बोलते हैं इसको, ये खट्टा मीठा फल है, ये इसका चटनी बनता है, फिर दाल उल में बिना आता है, इसको कुद्रुम बोलते हैं हम लोग, खट्टा मीठा बहुत खट्टा रहता है। और यहाँ पे लगा हुआ पालक साग, पालक भाजी लगा हुआ, देख सकते हो पालक भाजी। और ये है अनार का पेड़, टकला हो चुका अनार का पेड़, उधर भी देख सकते हो पालक भाजी है, रोहित का फेवरेट, और इधर भी सरसों साग सब है, और बाद बाकी क्या क्या सब है लगा हुआ। और ये सीम का लत्तर है, सीम, हाँ, और यहाँ पे मेथी साग है, मेथी का साग है, यहाँ पे भी पालक साग है, पालक साग है, और यहाँ पे टमाटर है, और सरसों का साग है, देख सकते हैं टमाटर सरसों का साग, और क्या है बाबू इधर, इधर भी मेथी ना धनिया पत्ता हो रहा है इधर छोटा छोटा। तो ये हम लोग की छोटे मोटे घर के गाछ, इधर पालक साग पुई साग है, और इधर साइड पर वहाँ पे शरीफा था, पक ख़त्म हो गया क्या, बापरे गाछ तो सूख भी गया, तो देख सकते हैं ये हम लोग का छोटा सा बगान है। ये मंदिर है बकरे, क्या क्या क्या, यहाँ पे अस्पताल है, और अस्पताल में हमें चेकअप कराना है, रोहित जी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तबीयत जो आपको बोले थे तबीयत खराब हो गया, तो वही चेकअप, तबीयत खराब तो उसका चेकअप कराना है। ये अस्पताल इतना बड़ा, और उधर साइड भी, उधर से आ गए तब यहाँ पर रोहित जी के यहाँ दिखाने के लिए, और इधर है मम्मी बैठी हुई है। तब लिया अभी हमें आया था अस्पताल रोहित जी का दवाई लेने के लिए, तो पता है सारा चीज़ बाहर से लिख दिया, और ये अस्पताल बुलाएगा साला, कोई से कोई आ गया ना, एक ढंग से तो झगड़ा होगा अस्पताल में, यहाँ पर साला चेकअप करने के लिए नहीं दिया हुआ, और इधर 10 जगह नछुआ रहा कि वहाँ चेकअप करो, वहाँ चेकअप करो, वहाँ चेकअप करो, सारा जगह है, लेकिन यहाँ पर साला इलाज नहीं हो रहा है। ये तो अस्पताल है कोई सा, हाँ, ऐसे अस्पताल में मतलब बैन करना चाहिए, जहाँ पे इलाज नहीं करे वहाँ पे सरकारी नाम से क्या चल रहा है, पता है, तो सरकारी के नाम से साल पैसा लिया जा रहा है यहाँ पे, हाँ बात करता है, कोई दिन मेरा से पंगा ले लो ना, बताते हैं लोग को, हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, तो कभी वो जगह में ना छोड़ के वो जगह में एक जगह इलाज करवाने नहीं सक रहा है, और बस बाहर से भी दवाई से लिख दिया इतना इतना, सरकारी नाम से कहीं है अस्पताल, यहाँ पे बंद करना चाहिए ऐसे अस्पताल सबको, दिमाग का दही बना देता है, दर्द जाता है, बीस आए वो नाच रही इधर से उधर उधर से, फैमिली पता है ये रिपोर्ट है,
और इसमें पूरा दवाई से हम अस्पताल के खाली एक ही लिख कर दिया, बाद में सारा बाहर में लिख दिया, और तभी से हम लोग अंदर में नचवा रहे, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। और एक जगह बोलते कि पैसा लगेगा इसका ये करवाने का, बोला जानते टेस्ट करवाने का, बताइए सरकारी अस्पताल है कि यहाँ पर तब प्राइवेट है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल बना देने, सरकारी नाम से कह रखा बताइए, जो सरकारी नाम से कह रहा कितना दूर दूर से लोग आते होंगे क्या इसे क्या बीमारी लेकर के इलाज करवाने के लिए, और वो लोग से हम लोग से पैसे लगा तो चलेगा, लेकिन और बाद में पब्लिक लोग से भी पैसा तब लेता होगा है कि नहीं, तो ये अस्पताल तो कहलाएगा नहीं ना, प्राइवेट अस्पताल बना देना चाहिए सबसे अच्छा, सरकारी नाम से छोड़ा है, जो सरकारी नाम खटा के प्राइवेट नाम कर देना चाहिए ना। हाँ जो सही बोला। तो फ्रेंड्स पता है मेरे को तब भी से इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि उधर से पूजा पाठ करके आए और थोड़ा कुछ खाए पिए ना, डायरेक्ट अस्पताल आए कि इधर जल्दी से जो जो बीमार मतलब कुछ कुछ हो जाता ना शरीर में, क्या बोलते उसको कुछ कुछ बीमारी उमारी या लेंगा जाता, जैसे कि लग उग जाता दूसरा का बीमारी, तो ऐसा कुछ हो गया ना क्या बोल के सोच के खाए, और इसका पता नहीं कैसे आँख सब लाल लाल हो जा रहा है अपने आप, तो सब चेकअप कराना है, तो यहाँ पे एक डॉक्टर आँख का चेकअप किया तो आँख में खाली ट्रॉच मार के देखा और उसके बाद दवाई लिख दिया फटाक से बाहर का, बताइए सबसे तो हम लोग को बोला था ना उन्होंने ट्रॉच मार मार के इससे देखते ट्रॉच मार मार के कि हमने ही खुद दवाई लिखा लेते, बताइए हम लोग मेडिकल शॉप से दवाई लेकर खाए, और ये जानते 700 रुपये का दवाई है, कोई बोलेगा 700 रुपये का, बताइए जो 700 रुपये का बाहर से लिखाना था तो अंदर आ कर फिर चेकअप करवा के क्या फ़ायदा, बताइए बाहर से हम डॉक्टर को दिखा करके दवाई ले लेते बाहर से, और ऊपर से यहाँ आए सरकारी बोल करके सरकारी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको क्या बोला जाए, आप इसका मतलब इसका ये मतलब कि इसमें आवाज़ उठाना चाहिए हर एक चीज़ को, जो जो अस्पताल में आता है जिसको प्रॉब्लम होता है उसका साथ ऐसे हल्सा हो जैसे हम लोगों के साथ हुआ है, तो ऐसे अगर उन लोग के साथ होता है तो उन लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो अभी घर जाकर फिर आप लोगों को बात करते हैं, यहाँ पर रोहित जी अभी बाल कटवा रहे हैं और यहाँ पर देखते बाजार है, यहाँ पर रोहित जी बाजार में बाल कटवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया था, सुनाई भी शायद मेरा आवाज़ नहीं देगा आप लोगों का इतना जोर से गाड़ी चल रही, अगर रोहित जी है तो रोहित जी बाल कटवा रहे हैं सुंदर से, और आप लोगों को कैसे लग रहा है, रोहित जी बाल कटा करके दिखाएंगे आप लोगों को कैसे लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग उधर से आए घूम करके और मतलब घूम करके भरे घूम गए थे उधर मेडिकल गए थे दवाई ववाई लेकर गए, और रोहित जी का आँख में ड्रॉप डाल दिए क्योंकि आँख में इसको ना कुछ काट दिए थे सामने में, तो बहुत ज़्यादा इसको क्या बोलते लाल हो गई, इसमें मैंने मतलब कुछ काट दिया था तो ये ज़्यादा ऐसे जो जो लगड़ दिया तो उसी की वजह से आँख में थोड़ा दिक्कत आ गया इसका, तो इसलिए तो हमने दवाई ववाई लिया, तभी हमने जा रहे हैं मम्मी का घर। पूरा कितना दिन रहने के लिए, जब तक मेरा ठीक नहीं होता तक मुझे चश्मा पहन कराना है बेचारा, तो अभी एक महीना के लिए नहीं, एक हफ्ता के लिए जा रहे हैं मम्मी घर, ये सब दवाई ववाई से ले लिया रोहित जी का जितना है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स आप लोग भी चलो, और मम्मी आएगी 10 बजे रात में काम करके, तो मैं आप लोगों को मम्मी से मिलाऊंगी, और कौन से घर में जा रहे रहने के लिए वो भी दिखाऊंगी, ये मेरा घर को छोड़ के जाना होगा, मेरा घर को कौन देखेगा, घर से सीस हो जाएगा सीस, हम आते रहेंगे घर में, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मतलब कि घर मालिक के साथ भी नहीं ना मैं सास लोगों के साथ, लेकिन क्या बोलते कुछ हो रहा है घर में, तो इसलिए हम लोग जा रहे उधर, और उधर से फिर एक बार पूजा करने जाएंगे बहुत दूर वाला मंदिर ना, तो इसलिए तो चलो फ्रेंड्स, तो बिना देरी के मम्मी घर जाते हैं जल्दी से, दिखाते हैं आपके सासू माँ को ना, सासू माँ बहुत शर्माता है मेरा आदमी ना, तो चले फिर आओ मम्मा मेरे कंधा दर्द हो रहा है, पीठ भी दर्द हो गया, एक बैग कपड़ा बना रखा है तो कपड़ा का और एक थैला और एक थैला कपड़ा है और एक बैग यहाँ है और एक इसमें, तो टोटो वाला मतलब टोटो वाला चाची वहाँ पे बैठ कर तो तुरंत चलो चलो, तो सब फैमिली हम लोग यहाँ पे अभी घर फाइनली मम्मी का घर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी का भगवान से भी भगवान जी का पाठा उठा है, और यहाँ पे रोहित भी है और मैं भी हूँ, लेकिन मम्मी लोग नहीं है क्योंकि मम्मी लोग काम कर रही है ना, तो 9 बजे तक आएगी, तो तब तक हम लोग घर में बैठे रहेंगे, बाबू भी है नहीं, मैं चाची का बेटी है और मैं मम्मी भी यहीं पर रहती है, तो अब जब मम्मी लोग आएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखोगे मेरी मम्मी को, और घर है और एक रूम उधर तो उधर चाची लोग रूम है, तो यहाँ पर हम लोग आराम करेंगे ना।
क्योंकि कैसे किसे देंगे तो चलो फ्रेंड्स, अगर मम्मी लोग आते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहो, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को घंटी बजाइए ना। आज जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है चाचा, कुंडी लगा लेना अंदर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मम्मी को आने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।